जी अपना नाम बता दे। अशोक कुमार केसरी। अशोक जी, ये जो घटना हुई है, एक मजदूर फंस गया था गड्ढे में, कितने देर के बाद इसको निकाला गया है? कम से कम दो घंटा बाद। किस चीज़ के लिए गड्ढा खोदा गया और कब से खोदा गया? ये गैस पाइप के लिए खोदा गया है। ये खोदा कम से कम 4-5 दिन हो गया। अभी कोई इसमें पटाव वटाव कुछ नहीं, हर जगह गड्ढा करके छोड़ दिया है। कितनी बड़ी लापरवाही लग रही है? बहुत बड़ी लापरवाही है। कितने बाइक वाले भी गिर गए इसमें, कितने बच्चे भी गिर गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। हमारा नाम अमन केसरी है। ये कौन सा स्थान है और क्या हुआ है यहाँ पर? ये लहरतारा बौलिया और चौराहे के बीच का एक स्थान है, जहाँ पे पाइपलाइन की खुदाई चल रही है और खुदाई गैस पाइपलाइन की खुदाई चल रही है। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे भी कार्य चलता है, ठेकेदारों की लापरवाही हमेशा देखी जा रही है। बनारस हो, इलाहाबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, ऑल ओवर इंडिया में हमारा देखा जाता है ये ठेकेदारों की लापरवाही, और जिसके कारण उसका भुगतान जनता को करना पड़ता है। और मैं सरकार से ये यहाँ पे एक मजदूर फंस गया था, दो मजदूर फंसे थे, जो कि बहुत ही मेहनत मशक्कर के बाद, दो घंटे के बाद, एक आम जनता, लहरतारा की जनता का योगदान था इसमें। और यहाँ पे मौके पे पुलिस भी आई, हमने पुलिस का भी धन्यवाद हम करते हैं। और उसके बाद लहरतारा की जनता, जो कि दो घंटे से मेहनत मशक्कर करके, और जो मजदूर भी साथी थे उनके उनके उन्होंने भी मेहनत मशक्कर किया, तब जाकर दोनों मजदूर सही सलामत निकले हैं। लहरतारा में एक मजदूर जब गया था, क्या था पूरा मामला और कैसे रेस्क्यू करके निकाला गया? ये लहरतारा बोलिया पे जो है, ये पाइपलाइन काम चल रहा है, जिसे खुदाई लगभग 15-20 फीट गहराई की गई है, जिसमें मिट्टी में नमी कारण जो है ये गिर गया, एक मजदूर दब गया। इसे हमारे एसओ साहब ने जो है बहादुरी का परिचय देते हुए जो है उसको बाहर निकाला और उसको अस्पताल भेजे हैं ट्रीटमेंट के लिए। सर, एक लापरवाही भी देखने को मिल रही है कि ये गैस पाइपलाइन है, लेकिन कोई सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं है। पता लगाया जा रहा है इसका ठेकेदार कौन है, और ये मजदूरों द्वारा अगर तहरीर दी जाती है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा एक ठेकेदार के खिलाफ, कि बिना किसी सुरक्षा उपाय के जो है ये 15 फीट 20 फीट गहरा कर रहे हैं, जो मजदूरों की जान के लिए आफत बनी हुई है।